भैया जिंदाबाद 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 नीरज भैया जिंदाबाद 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 अरे मुखिया कैसा हो मुखिया कैसा हो नीरज भैया कैसा हो मुखिया कैसा हो नीरज भैया कैसा हो इंकलाब जिंदाबाद 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 जनपुर का जनता जिंदाबाद 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 जनपुर का जनता जिंदाबाद 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 दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे केबी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह, अभी मैं चिरंजीवीपुर में आई हुई हूँ। यहाँ के मुखिया पद पर जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आज उनका नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन करवा के वो अभी लौट रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उनका जो रैली है वो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहले दिखा दे, उसके बाद मुखिया पद पे जो खड़े हुए हैं उनसे मिलूँगी और जानूँगी कुछ सवाल उनसे। सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत की जनता को नमस्कार करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे नया उत्साह और जुनून दे करके, आशीर्वाद दे करके, समाज सेवा मैं पहले से ही करते आ रहा हूं और जनता का आशीर्वाद पाकर हम आज मुखिया का मतलब नामांकन किए। इसके बाद मेरा विजन यही है कि समाज में विकास की जो मुख्य धारा है वो अभी तक हमारे समाज से जुड़ी हुई नहीं है, ढंग से जुड़ी हुई नहीं है। उसको सुचारू रूप से मतलब धरातल पे उतारने का जो मेरा मतलब योजना है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आपने क्या क्या सोच रखा है, इस पंचायत को कैसे बदलना है आपको? सर्वप्रथम हम इस पंचायत में शिक्षा, खेल कूद, मेरा पहले भी आपके स्टूडियो में गया था तो यही मेरा मुद्दा था, शिक्षा खेलकूद और विकास का काम जो है 100% ज़मीन पे उतरती नहीं है, वो आधा अधूरा उतरती है। उसको 100% ज़मीन पे उतार के और एक एक जगह पे रोड, जहां लोग पैदल जा सकते हैं, आ सकते हैं, गाड़ी जा सकती है, ऐसे जगहों पे रोड पहुंचाने का मेरा मकसद है। और समाज में जो मतलब संस्कृति जो विलुप्त होते जा रही है उस संस्कृति को बचाने का काम करेंगे, इसी मतलब यही सब काम मेरा विजन है, यही सब काम करने के लिए हम आए हैं। सर, आजकल के पंचायती चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवा दिख रहे हैं, और क्या रीजन है? आपका भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, आप भी मैदान में उतरे हैं, आखिरकार मन में क्या प्लान करके रखे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है युवा का जो जोश होता है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, औरों से भी छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद बिहार का जो अभी स्थिति है वो भी आप देख ही रहे हैं, 80% 90% 95% मुखिया चेंज हो रहे हैं और युवा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व में जो भी मुखिया थे या भ्रष्ट राजनीति करने वाले थे उनकी हार है,
उनकी नियत की हार है, उनकी नियत में खोट है और उसके वजह से हमारा पंचायत या पूरे बिहार कहिए जो अभी मतलब जो है ढंग से सुचारू रूप से विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई है। अभी नया जोश के साथ नए मुखिया जो भी आ रहे हैं उन सभी को मेरा एक ही मतलब रिक्वेस्ट रहेगा, तन मन धन से मतलब मिला करके पंचायत के विकास में काम करें और इनके संस्कृति को बचावें, पंचायत की संस्कृति को बचावें। अभी केबी स्टूडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नोट लेकर के वोट नहीं दीजिएगा किसी को भी, क्योंकि वही नोट लेके वोट लेने वाले आज आपके बिहार को आपके पंचायत को गर्त में मिला के छोड़ चुके हैं। नोट पे वोट मत कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक वोट कीजिए और पंचायत में जितने भी प्रत्याशी होंगे उस सभी पंचायत प्रत्याशियों का कुंडली निकाल करके आप उसके बाद ही वोट कीजिए किसी का भी, कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन क्रिमिनल है, ये सब जानते हैं और उसको देखते हुए मतदान कीजिए, पंचायत की संस्कृति को बचा के मतदान कीजिए। सर आखिरकार आप भी यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग ही थे, आस पड़ोस के ही लोग थे, मैं जानना चाहूँगी और साथ ही हमारे केवी स्टूडियो के जितने भी दर्शक हैं उन्हें भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले आपने यहाँ के जितने भी मतलब स्थानीय ग्रामीण लोग थे उनके लिए समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए आपने क्या किया, आपके द्वारा क्या हुआ जो मतलब फिर आपने एकाएक प्लान किया कि मुझे मैदान में उतरना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, आखिरकार कुछ तो आपने किया होगा ना यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात है ये बोलना मैं अपने मुंह से उचित नहीं समझता हूँ, आप पंचायत में जाइए लोगों को पूछिए धीरज क्या है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन मुझे कीजिए, हम अपने मुंह से अपना बड़ाई क्या करेंगे और क्या कहे बोलेंगे, हम समाज हित के लिए क्या काम किए हैं ये पंचायत जानता है और अभी हम उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे। कोरोना काल की ही छोटी सी बात अगर कहूँ तो कोरोना काल में हमारे यहाँ सरकार के तरफ से फंड आया लेकिन हमारे ग्राउंड में आप जाके पता करिए क्या वो फंड लोगों के बीच गया क्या, आप पता कीजिए, सैनिटाइजर का हो, मास्क का हो या फिर क्या बोलते हैं राशन का हो, कोई भी मुद्दा हो आप जाके 100% श्योर नहीं बता सकते हैं जब यहाँ पे काम हुआ है, यही सब मुद्दा है और हमने अपना पर्सनल फंड से ये सब काम किया था, बहुत दिन से करते आ रहा हूँ, खेल कूद पे भी ध्यान देते आ रहा हूँ, साथ ही मतलब जहाँ हमारे मुखिया जी अभी तक रोड नहीं पहुँचा पाए थे वहाँ जहाँ पे मतलब कीचड़ पानी लगा हुआ रहता था वहाँ पे हमने अपने हिसाब से वहाँ काम करवाया है, आप पता करिए ये सब। आने वाले समय में आप अपने पंचायत को किस रूप में देख रहे हैं, कैसा बनाना चाह रहे हैं? देखिए हमारा पंचायत हमारे पूर्व मुखिया भोला शर्मा थे, वो लगभग 30 साल प्लस मुखिया रहे, उनके रीजन में हमारा पंचायत जो था वो आदर्श पंचायत के नाम से बिहार में मतलब ख्याति प्राप्त था मेरे पंचायत को। आज के डेट में मेरा पंचायत आदर्श पंचायत नहीं रहा, मेरा पंचायत आदर्श पंचायत जो था उसे हमारे नए मुखिया 20 वर्षों से जो हो रहे हैं 10 साल अभी मतलब वर्तमान हैं और उससे पहले भी दो बार जो है मतलब नए मुखिया आए थे भोला शर्मा के बाद, तो कहने का मतलब है उन्होंने आदर्श पंचायत की गरिमा को खराब किया है, आप इसको मैं बहुत मजबूती के साथ बोल सकता हूँ। आप इस पंचायत को किस रूप में देख रहे हैं, आगे इसे कैसा बनाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं वही तो है इसी में तो मेरा जवाब छुपा हुआ था, मैं तो इसी को आदर्श पंचायत को फिर से आदर्श पंचायत बना के और लोगों को दिखाना चाहता हूं कि पंचायत क्या होती है, अगल बगल के लोग भी जाने जो चिरंजीवीपुर पंचायत भी एक पंचायत है जहाँ एक धीरज मुखिया है और उसने ऐसा ऐसा काम किया है जो लोगों को मतलब बोलने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलिए ये तो यहाँ के पंचायत की जितनी भी जनता है उन पे छोड़ दीजिए कि आने वाला 5 साल किस ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है या और पीछे की ओर ले जाता है। चलिए धीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने थके हुए थे फिर भी हमारे चैनल को आपने साथ दिया और हमारे इस प्रोग्राम में आपको साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आशा करूँगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे चिरंजीवीपुर के मुखिया प्रत्याशी जी।
उनसे मिली और जानी कि क्या सब काम करेंगे, क्या सोच लेके वो मैदान में उतरे हैं। उम्मीद करूंगी आप सभी को यह प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है जो कि KBTV बिहार और साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलती हूँ इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद।